हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ केमिस्ट्री। तो आज हम केमिस्ट्री की क्लास में 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस स्टार्ट करते हैं। आपने देखा 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक आपकी मार्केट में, आपने परचेज भी किया होगा। उसमें टोटल 16 यूनिट्स है। वो 16 यूनिट में कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम आर फिजिकल केमिस्ट्री, सम आर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं एंड यूनिट नंबर 14, इसमें मैक्सिमम पार्ट आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। सो यूनिट नंबर 14 इज बेसिक Principles of Organic Chemistry. First thing, what is Organic Chemistry? It's a branch of chemistry which deals with study of carbon compounds. जिसमें basically carbon के ही compounds study करते हैं। जैसे आपने देखा है alkane, alkene, alkyne, carbohydrate पढ़े आपने, glucose, fructose, lactic acid, tartaric acid, acetic acid, ये सब carbon compound है। और carbon compound की study करने को that branch of chemistry is called as Organic Chemistry. तो यहां भी हम स्टार्ट वहीं से करते हैं, कार्बन से ही स्टार्ट करते हैं। सिंगल कार्बन एटम वाला एक मॉलिक्यूल आप जानते हैं मीथेन। मीथेन में एक ही कार्बन होता है CH4, इट कंटेन वन कार्बन। और नंबर ऑफ कार्बन फिर डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड में बहुत सारे बढ़ते जाते हैं। जैसे एक होता है DNA, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसमें लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं। तो कार्बन बेसिक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब ये कार्बन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर बनाता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले बनाता है। तो आज हम 11 का जो ये यूनिट है, इसमें पहले पार्ट स्टार्ट होता है टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूले। टाइप ऑफ फॉर्मूले के कार्बन कंपाउंड कितने टाइप के फॉर्मूले बनाते हैं, कौन कौन सा फॉर्मूला बनाते हैं, हम स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ फॉर्मूला, तो टूडेज पार्ट इज टाइप्स ऑफ फॉर्मूला। फर्स्ट टाइप ऑफ फॉर्मूला, ऑलरेडी यू नो दैट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। पहले टाइप का फॉर्मूला आप पहले से जानते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहते हैं। द फॉर्मूला विच इंडिकेट स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, जो कंपाउंड का स्ट्रक्चर बताता है, नंबर ऑफ एटम बताता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताता है, उसे कहते हैं हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसमें दो टाइप का रहेगा। एक रहेगा नंबर ए, इट इज इलेक्ट्रॉन डैश स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डैश फॉर्मूला। और बी रहेगा इट इज इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डैश फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये कैसा होता है, एक एग्जांपल से आप क्लियरली समझ लीजिए। फर्स्ट एग्जांपल में लेते हैं, सपोज मीथेन, दैट इज एग्जांपल नंबर वन, इट इज मीथेन। मीथेन का आप सब मॉलिकुलर फॉर्मूला जानते हैं आप, CH4। अब उसको ओपन करके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन डैश में, डैश का मीनिंग क्या होता है कि वो जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड रहेगा उसको आप डैश इंडिकेट करेंगे। वो बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड, बताइए कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है आयोनिक के कोवेलेंट, इज ऑलवेज कोवेलेंट बॉन्ड, उसमें हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड को डैश इंडिकेट करेंगे सी डैश 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 एंड इट इज विथ हाइड्रोजन लाइक दिस। मीथेन का फॉर्मूला जो CH4 होता है वो CH4 को हम ऐसे लिखेंगे CHHHH, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड को हम डैश से इंडिकेट करेंगे। इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन डैश फॉर्मूला, ये इलेक्ट्रॉन डैश स्ट्रक्चर कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डैश स्ट्रक्चर। सेकेंड इलेक्ट्रॉन डॉट, ये नया है, ये न्यू है आपके लिए। इसमें क्या होता है, दिस वन कोवेलेंट बॉन्ड, आप जानते हैं कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन से बनता है, पेयरिंग करने से बनता है। सो दिस कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय टू इलेक्ट्रॉन, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, उसको हम डॉट से नीड करेंगे। दिस इज कार्बन, दिस इज वन डॉट, सेकेंड डॉट ऑफ हाइड्रोजन दिस। तो ये जो वन कोवेलेंट बॉन्ड है, दिस कोवेलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय टू डॉट लाइक दिस, और इट कैन बी रिटन लाइक दिस, ऐसे भी लिखते हैं। तो CH के बीच में जो एक कोवेलेंट बॉन्ड है उसको आपने दो डॉट से नहीं कर दिया, यहां भी वही करेंगे, ये CH के बीच में दो डॉट हाइड्रोजन, टू डॉट हाइड्रोजन, सो हियर इलेक्ट्रॉन आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, सो दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला, दिस इज इलेक्ट्रॉन डैश स्ट्रक्चर, दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला। तो फर्स्ट टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर्मूला, इट इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करने का पहला टाइप जो होता है वो होता है स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ये फॉर्मूला जो आपने दोनों अभी पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन डैश और इलेक्ट्रॉन डॉट, ये लेविस नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताया था लेविस, इसलिए इसको कहते हैं लेविस डैश स्ट्रक्चर।
और इसे कहते हैं लेविस डॉट फॉर्मूला, लेविस डॉट फॉर्मूला, लेविस डैश स्ट्रक्चर। तो टाइप ऑफ फॉर्मूले में ऑर्गेनिक कंपाउंड में पहले टाइप का फॉर्मूला है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, विच इंडिकेट ओपन स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, जो कंपाउंड का पूरा खुला ओपन स्ट्रक्चर करते हैं। चलो अब एक होमवर्क आपको, इसका आप क्या करिए, ये पहला एग्जांपल है मीथेन, सेकंड एग्जांपल है इथेन, दिस इज योर होमवर्क। इथेन, मीथेन का मॉलिकुलर फॉर्मूला बताया था CH4, इथेन का मॉलिकुलर फॉर्मूला C2H6। आप कल तक मुझको ये इथेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लाइक दिस डैश फॉर्मूला डॉट फॉर्मूला मुझको लिख के आप बताइए, ये होमवर्क है आपको, इथेन का आपको डैश और डॉट फॉर्मूला मुझको लिख के कागज पे व्हाट्सअप करना है आपको। तो फर्स्ट फॉर्मूला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला विल रब दिस, इसको मिटा देते हम। सो सेकंड टाइप ऑफ फॉर्मूला दिस इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मॉलिकुलर फॉर्मूला पहले जाता है विच इंडिकेट एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम बताता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला वो सब यानी पहले स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेकेंड दैट इज कंडेंस फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला नाम बता रहा है, इंग्लिश का वर्ड है कंडेंस, कंडेंस का मतलब होता है कलेक्टेड टूगेदर, एक साथ जमा कर देना, उसे कहते हैं हम कंडेंस कहते हैं। जैसे ये है पहले समझ लीजिए आप, स्ट्रक्चर इज C2H6 इथेन, इथेन इसमें दो कार्बन है छह हाइड्रोजन है, तो आप ये कार्बन और हाइड्रोजन को ब्रेक करके टू बॉन्ड में कंडेंस कर लेंगे CH3CH3, दिस CH3CH3 इज द कंडेंस फॉर्मूला फॉर इथेन, और इसके ऑल्सो रिटन है ये बॉन्ड भी हटा देंगे आप और CH3CH3, बोथ आर राइट, दोनों लिखने की मेथड है, दोनों राइट है, बॉन्ड बताया तो राइट है, बॉन्ड नहीं भी बताया तो राइट है। ये दो फॉर्मूले को कहते हैं कंडेंस फॉर्मूला, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स को कंडेंस कर देते हैं। तो और इसको डिटेल में जैसे C3H8 प्रोपेन, इससे समझ लीजिए आप प्रोपेन जैसे रहेगा CH3, फिर इसमें एक आ जाएगा CH2CH3, ये हो गया प्रोपेन का कंडेंस फॉर्मूला। ब्यूटेन C4H8, ये बेस्ट एग्जांपल, इसको समझ ले आप, C4H8 कैन बी रिटन है CH3CH2CH2CH3, ये ब्यूटेन का एक कंडेंस फॉर्मूला लिखने की एक मेथड है। अब मोर करें क्या है, इसको आप पूरा कंडेंस कर देंगे, ये जो CH2CH2 रिपीट हो रहा है, जो ग्रुप रिपीट होता है उसको कलेक्ट कर देना, कलेक्टेड टुगेदर CH3CH2 टू टाइम्स है तो बाय टू एंड CH3, बस ये एग्जांपल अच्छी तरह समझ लिया। ब्यूटेन मोर करेक्ट इसका नाम है एन ब्यूटेन, ट्रेस है ये CH3CH2CH2CH3, आप देख रहे हैं कि दो बार CH2 आ रहा है, दो CH2 को रिपीट ना करते हुए उसको एक ही बार लिखना है और ब्रैकेट में नीचे टू लिखने का है, सबस्क्रिप्ट कहते हैं उसको, सबस्क्रिप्ट नीचे लिखते हैं, सुपरस्क्रिप्ट होते हैं ऊपर लिखते हैं, ये सबस्क्रिप्ट है नीचे। तो CH2 दो बार आ रहा है तो उसको बाय टू कर दिया हमने, CH2 बाय 2, दिस इज द कंडेंस फॉर्मूला फॉर एन ब्यूटेन, ये एन ब्यूटेन का कंडेंस फॉर्मूला है। ऐसे आप आगे बढ़कर एन पेंटेन लेंगे तो एक CH2 बाय 3 हो जाएगा, और लिखने की मेथड क्या है, ये बॉन्ड इसके ऊपर ब्रैकेट रहेगा और ब्रैकेट के नीचे यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में 2 रहेगा, दिस इज एन ब्यूटेन। एक हायर एग्जांपल देख ले, CH3CH3CH3CH3, और आप देखते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5, बोलिए इसका नाम क्या है, 5 कार्बन वाले एल्केन को क्या कहते हैं हम, पेंटेन, ये पेंटेन है। अब इसको कंडेंस कर देंगे, एक ही कार्बन को 4 मिथिल ग्रुप जुड़े हैं CH3CH3CH3CH3, तो चारों को आप कंडेंस कर देंगे CH3 बाय 4 N1 कार्बन। इस टाइम यहाँ पे बॉन्ड बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन को रहते चेन नहीं है, पूरी लॉन्ग चेन नहीं है, स्ट्रेट चेन नहीं है, तो CH3CH3CH3CH3 फोर टाइम्स और एक कार्बन, इसका मीनिंग क्या है कि ऑल दी CH3 ग्रुप दे आर डायरेक्टली अटैच टू कार्बन, वो सबके सब कार्बन को अटैच है, इसका मीनिंग ऐसा नहीं रहेगा CH3CH3CH3CH3C के चारों भी मिथिल ग्रुप कार्बन को अटैच है, ये बहुत रॉन्ग हो गया, टोटली रॉन्ग मेथड है,
इसका मीनिंग क्या है कि ऑल द मिथिल ग्रुप दे आर डायरेक्टली अटैच टू कार्बन, डायरेक्टली, ये डायरेक्टली नहीं है, ये मेथड रॉन्ग होगी। सो दिस इज द कंडेंस फॉर्मूला फॉर पेंटेन, ये पेंटेन का कंडेंस फॉर्मूला है। तो पहला फॉर्मूला हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला कंडेंस फॉर्मूला। स्ट्रक्चर में भी दो देखा था हमने, इलेक्ट्रॉन डैश और इलेक्ट्रॉन डॉट। थर्ड नंबर थर्ड टाइप ऑफ फॉर्मूला, इट इज अ बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। व्हाट इज दिस बॉन्ड लाइन फॉर्मूला? नेम इंडिकेट, नाम बता रहा है कि इसमें बॉन्ड जो रहेगा उसको आप लाइन से इंडिकेट करेंगे। लाइन, जैसे आप इसे डैश बताते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंट बॉन्ड जो रहेगा उसको एक लाइन से इंडिकेट करेंगे। कार्बन एंड हाइड्रोजन दे आर नॉट रिटन, वो नहीं लिखेंगे हम। जैसे बेस्ट एग्जाम्पल दी CH3CH3, इसमें क्या होता है बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में ये कार्बन और हाइड्रोजन नहीं लिखा जाता है, उसको निगलेक्ट कर देते हैं, सिर्फ एक बॉन्ड लिखा जाता है। तो यहां आप एक डैश बता देंगे, ये डैश कोवेलेंट बॉन्ड, और इस बॉन्ड को थोड़ा बड़ा कर देंगे। दिस इज सेम फॉर्मूला, इसका नाम है इथेन, और एक लाइन दिख रही है आपको, इस लाइन का भी नाम रहेगा इथेन। सी अंडरस्टैंडिंग क्या होना इसमें, ये जो कॉर्नर दिख रहा है आपको यहां, ये डॉट समझो ऐसा, ये है सी एच थ्री, सी एच एक कार्बन, और ये जो कॉर्नर है ये भी सी एच थ्री एक कार्बन है, मतलब दो कार्बन है, इसका नाम हो गया इथेन। इथेन आपकी इमेजिनेशन में होना कि ये जो लाइन है इसमें दो कार्बन है, और दो कार्बन का मतलब इथेन। एग्जाम्पल नंबर वन, एग्जाम्पल नंबर टू, जैसे आप लेते हैं प्रोपेन। अब आपको ओरली मालूम है प्रोपेन का फॉर्मूला C3H8, इसका आप ओपन फॉर्मूला लिखिए CH3CH2CH3, ये प्रोपेन हो गया, ये इसका कंडेंस फॉर्मूला हो गया। पहले हमने मॉलिकुलर फॉर्मूला, अब ये कंडेंस फॉर्मूला, अब इसको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में क्या करेंगे, ये कार्बन हाइड्रोजन को नहीं लिखेंगे, उसकी जगह लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस कार्बन से इस कार्बन तक एक लाइन, ये होगी, इस कार्बन से इस कार्बन तक एक लाइन, ये एक होगी, लेकिन ये थोड़ा रॉन्ग हो गया। नहीं आप देखेंगे तो ये आपको एक ही दिख रही लाइन है, ये आपको इथेन ही दिख रहा है, हमको इसमें तीन कार्बन बनाना है, तो इसको आप बेंड कर देंगे, बेंड। तो ये एक कार्बन और एक ही कार्बन लाइन, स्ट्रेट नहीं लिखना है, उसको बेंड करना है, जिगजैग करना है, जिगजैग। दिस इज वन कार्बन, दिस इज सेकेंड कार्बन, दिस इज थर्ड कार्बन, दिस इज प्रोपेन, ये प्रोपेन हो गया। ये मेथड लिखने की रॉन्ग है, राइट मेथड है जिगजैग। प्रोपेन का फॉर्मूला जो रहेगा वो जिगजैग लिखेंगे हम। दिस इज नंबर सेकंड एग्जांपल। नंबर थर्ड एग्जांपल एन ब्यूटेन। देखिए फिर से ये बेस्ट होता है एग्जांपल, इसको समझ लीजिए आप। ब्यूटेन का मॉलिकुलर फॉर्मूला C4H10, इसका कंडेंस फॉर्मूला CH3CH2CH2CH3, ये इसका कंडेंस फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले को बॉन्ड लाइन में कैसे इंडिकेट करेंगे, पहले आप ये देख लेना कि इसके पास चार कार्बन है, 1 2 3 4, और चार कार्बन को लाइन में लिखना है आपको जिगजैग। दिस इज 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया जिगजैग या बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ऑफ एन ब्यूटेन। ये एन ब्यूटेन का बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। नेक्स्ट टाइम केमिस्ट्री में डायरेक्ट ऐसा आएगा तो आपको ये समझ जाना चाहिए। अब ये देखिए, और एक बात ओरली याद रख लीजिए कि ईच कॉर्नर, कोई भी कॉर्नर हो, इट कंटेन कार्बन, वो कार्बन होता है, एनी कॉर्नर इट कंटेन कार्बन। अब ऐसे समझो दिस, अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो ये अल्फाबेट टी दिख रहा है आपको, टी, कैपिटल टी, लेकिन ये टी नहीं है, ये केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप, केमिस्ट्री में ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है कंपाउंड का, कंपाउंड कौन सा है, इसका नाम क्या है, यस, ये जो टी है इसका नाम क्या है, कभी आपको थोड़ी देर पहले सिखाया, ईच कॉर्नर ईच पार्ट इट कंटेन कार्बन, सभी कार्बन है, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, टोटल फोर कार्बन, फोर कार्बन मीन ब्यूटेन, ये ब्यूटेन है, और ब्रांच में, ब्रांच में इसका नाम हो गया आइसोब्यूटेन। तो ये जो टी दिख रहा है आपको, दिस टी इज द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ऑफ आइसोब्यूटेन, ये आइसोब्यूटेन का बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है। अंडरस्टैंड, समझ गया बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ईच कॉर्नर ईच दिस एज इट इज कॉल्ड एज कार्बन, वो कार्बन होता है, और आपको उसमें कार्बन गिनना होता है।
एक होमवर्क है इसमें आपको, ये बॉन्ड लाइन एक होमवर्क, बताइए बॉन्ड लाइन फॉर्मूला किस कंपाउंड का है। इसको आप उसका पूरा स्ट्रक्चर फॉर्मूला ओपन करके ड्रॉ करिए, इस कॉर्नर को आप कार्बन दीजिए और बताइए इसका नाम क्या है। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, आपको इसका नाम लिख के मुझको बताना है। मैंने दो एग्जांपल बताया इथेन का, अब ये एक एग्जांपल बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ओके, दिस इज फॉर्मूला नंबर थर्ड, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर फोर्थ। हाँ एक मिनट, बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में ऐसे भी होता है, हमने सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, वैनिश कर दिया, गायब कर दिया। अगर कोई हेटेरो एटम होता है, हेटेरो एटम, अगर बॉन्ड लाइन में, अगर कंपाउंड में कोई हेटेरो एटम होता है, व्हाट इज हेटेरो एटम? हेटेरो का मतलब डिफरेंट एटम, होमो का मतलब सेम, कार्बन कार्बन सेम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम है, हेटेरो का मतलब कार्बन हाइड्रोजन के अलावा, अदर देन कार्बन हाइड्रोजन। जैसे एक देखिए CH3CH2OH, बताइए इस कंपाउंड का नाम क्या है? CH3CH2OH, OH है तो अल्कोहल, इस कंपाउंड का नाम है इथिल अल्कोहल, इथिल अल्कोहल। अब इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? कार्बन और कार्बन, इसको तो लिखना नहीं है, इसकी जगह एक लाइन ड्रॉ कर देंगे हम, कार्बन कार्बन, और जो हाइड्रोजन है यहां ये भी नहीं लिखना है, तो एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। एक बात यह कि स्ट्रेट लाइन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको ड्रॉ करने से अवॉइड करना, स्ट्रेट ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं बनना, अवॉइड करने का, आप उसको ऐसा स्लैंटिंग बनाना, स्लैंटिंग थोड़ा ऐसे इंक्लाइन लाइन बनाने का। तो ये हो गया CH3, ये हो गया CH2 और इधर OH है, तो यहां आ जाएगा OH लाइक दिस, CH3CH2OH इथिल अल्कोहल। दिस इज द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ऑफ इथिल अल्कोहल, ये उसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला होगा। ओके, तो जो हेटेरो एटम होता है, जो डिफरेंट एटम होता है, उसको लाइन से रिप्रेजेंट नहीं कर सकेंगे आप, वो एटम लिखना ही पड़ेगा, वो लिखना ही पड़ेगा आपको, वह हेटेरो एटम है और उसके साथ अटैच है इसलिए उसको भी लिखना पड़ेगा। जो CH2 होता है इसको लिखना नहीं पड़ता है, इसकी जगह एक लाइन आ गई पूरी, लेकिन OH को लिखना है, दिस इज बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। नेक्स्ट, नाउ दिस इज टोटल इमेज, दिस इज अ वेट फॉर्मूला, वेट फॉर्मूला, एज, एज से वर्ड आया वेट, इसका मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन, लाइन को आप डिफरेंट मेथड से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे एक तो रफ में देख लो, पहले CH, मिथेन, मिथेन में टोटल कार्बन हाइड्रोजन के फोर बॉन्ड है, जो आप फोर लाइन से इंडिकेट कर रहे हैं, ये लाइन डैश। अब इस लाइन को आप तीन डिफरेंट मेथड से लिख सकते हैं। ये जो लाइन है, एक टाइप की लाइन जो है, सपोज ये लाइन है, इसको आप लिख सकते हैं सॉलिड लाइन, और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे सॉलिड लाइन, इसको आप लाइक दिस, ऐसे ऐसे स्मॉल ट्रायंगल है, ये नॉट ट्रायंगल, समवॉट ट्रायंगल लाइक, एंड इज ए सॉलिड पोर्शन, उसको पूरा अंदर से डार्क फिलअप कर देंगे, और ये अपवर्ड ऊपर की तरफ आ रहा है, यहां पर कम रहेगा फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा, इसको हम अपवर्ड कहेंगे। तो ये एक दो बॉन्ड है, चलो यहां देख लेते, एग्जाम्पल इज मीथेन, तो अभी हमने देखा CH, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन। तो जो वेट फॉर्मूला होता है, वेट फॉर्मूला में एक लाइन जो रहेगी, इसमें से कोई एक लाइन आपको सॉलिड लाइन बनाना है, उसको सॉलिड एज कहेंगे, सॉलिड एज। तो इसको सपोज करो ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है एज वाला, इसको आप ऐसे सॉलिड लाइन बताएंगे ऐसे, तो इसको आप यहां ऐसे हाइड्रोजन। ओके, एक हो गया सॉलिड लाइन, एक हो जाएंगी डैश लाइन, डैश, तो उसको डैश बताएंगे आप लाइक दिस, और देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जो सॉलिड लाइन थी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, उसको अपवर्ड कहेंगे हम, और जो ये डैश लाइन है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये डाउनवर्ड होगी। इसमें से कोई एक डैश लाइन ले लो, इसको ले लेंगे हम डैश लाइन, दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर दिस। ओके, वन इज सॉलिड लाइन, सेकेंड वन इज डैश लाइन, थर्ड वन इज नॉर्मल लाइन, और बाकी बचे हुए जितने लाइन रहेंगे सब नॉर्मल लाइन रहेंगे सभी। जैसे यहां चित्र है दो है, तो बस आप इसको नॉर्मल लाइन, एक ऐसे जैसे डैश बताया था नॉर्मल लाइन। ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है टोटली आपके लिए न्यू है,
आज से पहले आपने ये पढ़ा नहीं था, इसे कहते हैं वेज फॉर्मूला। वेज फॉर्मूला ये सॉलिड वेज है, ये डैश वेज है, वेज मतलब लाइन, और ये नॉर्मल वेज है। दिस इज वेज फॉर्मूला ऑफ मीथेन। व्हाई, इसकी क्यों जरूरत हुई, ऐसा क्यों ड्रॉ कर रहे हम, पहला क्वेश्चन ये आएगा। तो अभी तक जो आपने पहले के फॉर्मूले देखा है, दिस इज नंबर फोर्थ। इससे पहले आपने देखा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, फिर कंडेंस फॉर्मूला, फिर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, zigzag फॉर्मूला। ये सब फॉर्मूले टू डायमेंशन में होते हैं, और जो वेज फॉर्मूला है, दिस वेज फॉर्मूला इज शोन इन थ्री डायमेंशन ऑन ए पेपर। एक पेपर पे तीन डायमेंशन बताते हैं। जैसे ये बताया, ये सी एच का बॉन्ड का मीनिंग क्या है, कि ये बॉन्ड ऊपर आ रहा है। आपको ऐसे इमेजिन करना है कि ये बॉन्ड यहाँ ऊपर आ रहा है। ये जो सी एच बॉन्ड का है दिख रहा है आपको डैश, इसका मतलब है कि अंदर पीछे जा रहा है। ये बॉन्ड इट गोज इन साइड, ये बॉन्ड अंदर जा रहा है, दीवार के पीछे उधर जा रहा है बोर्ड के पीछे, और ये बॉन्ड जो है बाहर आ रहा है ऊपर इधर। बाकी के दो बॉन्ड जो है ये पेपर के ऊपर परपेंडिकुलर है। दिस इज वेज फॉर्मूला विच इज इंडिकेटेड बाय सॉलिड लाइन, डैश लाइन, नॉर्मल लाइन। ओके नेक्स्ट। तो अब नेक्स्ट तीन बचे हैं, वो तीन फॉर्मूले हम नेक्स्ट पीरियड में कर लेंगे। आज इतने फॉर्मूले की आप प्रैक्टिस करिए। सी, आपको करना क्या है, ये जो भी मैंने आपको पढ़ाया हो, आप ये वीडियो बार बार देखिए, दो तीन बार देखिए, आज और कल दो दिन ये वीडियो आपको अपने चैनल पे मिलेगा। बाद में वीडियो हम यहां से देखेंगे, चैनल पे रहेगा, आपको उसको स्टडी करते रहना है। उसको बार बार आपको वीडियो को पढ़ के एक एक पॉइंट लिख लिख के देखना है। इससे रिलेटेड जो नोट्स है, जब हमारी ट्यूशन फिजिकल स्टार्ट होंगी तब आपको नोट्स देंगे। अभी आपको ये वीडियो को बार बार देख के अपने राइटिंग में एक बुक में आपको इसको लिख के रखना है। तो आज जो आपको जो होमवर्क दिया हूं वो होमवर्क पूरा करिए, और इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आप, जैसे पिछले बार आपने व्हाट्सअप करके पूछा था, तो पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है, नेक्स्ट पीरियड हम देखते हैं कल, इसके आगे का स्टडी करेंगे। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड डे।